प्रताप सागर झील पोंग बांध में पहले चरण का 70 से 80 एमएम साइज का मछली का बीज सिहाल खड्ड में डाला गया, जिसमें मातस्य सहकारी सभा सिहाल धमेटा के पदाधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। महाराणा प्रताप सागर झील पोंग बांध के सहायक निदेशक जय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पर कितनी प्रजातियों का बीज डाला जा रहा है और कितने चरणों में डाला गया और पाउंड डैम के लिए कितना बीज डाला जाए बजट में? इस बार लगभग जैसे फिशरी डिपार्टमेंट का जो मेन रेट्स है, जो हर बार जो है जो इसमें रिजर्वाइव में जो स्टॉकिंग की जाती है, ताकि हमारे जो जितने भी मछुआरे हैं उनकी जो है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आए और ज़्यादा उनकी अर्निंग हो। तो इसके लिए विभाग ने लगभग इस बार जो हमारा कतला का जो है अभी जो एट परसेंट जो हमने 2.5 लाख के लगभग जो हमने स्टॉकिंग करवाई है, बाकी अभी आने वाले 2-4 दिनों में हमने मरीगल राहु का भी जो इसमें हमारा जो बीज जल्दी ही आने वाला है, तो जैसे आएगा तो उसकी भी जो हम आपको बता देंगे कितना और कितना पड़ने वाला है। अभी इस बार जो हमने इस कतला का 2.5 लाख अभी इसमें पोंग में स्टॉकिंग कराई है। अभी पहले चरण में आपने 2.5 लाख डाला है, तो दूसरे चरण और तीसरे चरण में कितना डाला जाएगा? हाँ, अभी तो टोटल जो नंबर है हमारे पास, जैसे इस बार जो ये पोंग डैम के लिए कोई लगभग 80 या 83 लाख के लगभग टोटल जो हमारा सीड का ये है जो इसमें डालेंगे सीड ना, तो लगभग 1 करोड़ का जो बजट प्रोविजन है इसके लिए पोंग रिजर्व के लिए स्टॉकिंग के लिए। तो जैसे अब 12 से हमारा अभी और सीड आ रहा है, 12 तारीख से 12, 13, 14, 15 लगातार जो 4-5 दिन कंटिन्यू स्टॉकिंग होगी यहाँ पे। और इसके अलावा जो हमारा कतला का भी कुछ हुआ अभी फर्स्ट टर्न में, कुछ बाकी और आने वाला सीड दो चार दिनों में। तो इस बार कहाँ से परचेज किया जा रहा है बीज? ये जी हमारा सीड जो कोलकाता से आता है जी। हाँ जी, तो यहाँ भी प्रावधान था कि पोंगड़ा में पैदा करने के लिए आपने जो बनाए थे पहले तालाब वगैरह, गवर्नमेंट की हजरी है बट उसकी सीड की डिमांड पूरी नहीं होती है, तो इसके लिए हम बाहर से लाना पड़ता है उसको। अच्छा, यहाँ पर पैदावार अभी तक नहीं है, करते हैं बाकी गवर्नमेंट हजरी की करते हैं, गवर्नमेंट हजरी की इतनी जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है उतना सीड वहाँ मिल नहीं पाता है, इसके लिए बाहर से सीड लाना पड़ता है इसके लिए। तो थोड़ा ये गोविंद सागर का बता पाएंगे कितना इस बार प्रावधान है? इसमें गोविंद सागर मतलब जो मेरे को अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, मैं उसको नहीं दे पाऊंगा डाटा क्या है उसका, बट हमारा पोंग रिजर्वायर का जो इस बार जो है लगभग 83 लाख का जो है ये 83 लाख जो सीड है उसमें तो डाला जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ डाला जाएगा ये पोंग रिजर्वायर? मतलब जैसे हमारा जैसे ये 2 बार यहाँ करी स्टॉकिंग, उसके बाद हमारा ये पीछे डाटा सिबा में एक्सपोर्ट वहाँ भी कर सकते हैं, गुगलाड़ा में वहाँ जैसे सोसाइटी चाहिए वहाँ अभी निर्धारित नहीं है कहाँ कहाँ डाला जाएगा, जहाँ पहली बार यहीं डाला है। पहले यहाँ से शुरू हमने यहाँ से करी सियाल से, गाड़ी जहाँ मतलब इजिली पहुँच जाए हमारा वही रहता है जहाँ इजिली गाड़ी में पहुँच जाए। एंड स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय समयाल की रिपोर्ट।